नमस्कार, मैं हूं एसके मिर्जा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा। आज हमारे साथ मौजूद हैं पप्पू यादव जी, जो जहानाबाद चलकर आए हैं, एक केस के सिलसिले में आए थे, लेकिन यहां इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। आइए बातचीत करते हैं। सर, आप न एनडीए में हैं न यूपीए में, ऐसा आपकी बातों से लग रहा है, कहाँ हैं? नहीं नहीं, एनडीए और यूटी, हम तीसरे फ्रंट एक बड़ी ताकत है। एनडीए और यूपीए जी, यूपीए का जो एक बड़ा घटक है वो एनडीए का तो बी टीम है। महागठबंधन को सबसे ज्यादा कमजोर करने में हम एक ऐसी ताकत के साथ हैं जो बिहार का निर्माण चाहती है, बिहार के युवाओं का रोजगार चाहती है, बिहार को जाति धर्म मजहब हिंदू मुसलमानों से, बैकवर्ड फॉरवर्ड से, इन सारी चीज़ों से निकालना चाहती है। बिहारी हम हैं और बिहारी के भीतर एक ऊर्जा होती है इंसानियत को और लोकतंत्र को बचाने की, हम वहाँ पर करें। ये लोग बिहार के नाश का सबसे बड़ा ताकत है। ये दोनों, ये जो चाचा भतीजे हैं, 15 दिन मेरे यहाँ ये लोग कैंप करते हैं, चाचा भतीजे दोनों, हेलीकॉप्टर लेकर, एक पप्पू यादव को हराने के। तो एनडीए और यूपीए तो पप्पू यादव को हराने में लगी रहती। चतरा में कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ गुंडे को ही उतारते हैं, एक बेटा, दूसरा बेटा शिवर में, छपरा में, जहानाबाद में बाप और माँ का फोटो लेकर के बिहार की जो राजनीतिक ऊर्जा है, जो एक सेकुलर मिजाज है, जो बिहार देश को निर्माण करता है, उसको खत्म करने में लगा। जो जिस पर गर्व है लालू यादव को, वो सुपौल में अपने कैंडिडेट को खड़ा करके तीर को वोट दिलवाता है महागठबंधन के खिलाफ। गया में जीतन राम मांझी को हराना चाहता है, कहीं मुकेश सहनी को हराना चाहता है, कहीं कुशवाहा को हराना चाहता है। किस तरह की ये राजनीति हो रही है सर? किस तरह की राजनीति? अपने घटक दलों को जो हराना चाहते हैं। 2020 की लड़ाई है, इनकी लड़ाई 2019 की नहीं है। इनकी लड़ाई खुद को केस से मुक्ति, जेल से मुक्ति ये चाहते हैं, जेल हम ना जाए, केस से बचा। ये तो जीता जागता उदाहरण है। अरुण जेटली से बहुत दिनों से इनकी, नीतीश कुमार को खत्म करना चाहते थे ये बीजेपी। अब पप्पू यादव से समझ में आता है कि चलो भाई, आप विचारों के साथ लड़ नहीं सकते, आपको एक राइवल दिखता है, तो आप दोनों मिलकर के हमसे लड़े। आप मधेपुरा में कैंप किए, दुनिया में ये पहला इतिहास, आपने सुना कि 3-3 हेलीकॉप्टर मधेपुरा में खड़ी, 3 फेज तक राहुल गांधी के साथ आप मंच शेयर नहीं करते हैं, कांग्रेस के मंच पे नहीं जाते, क्योंकि आपको रंजीत रंजन पप्पू यादव को चुनाव हो रहा। 4th फेज में आप तब जाते हैं जब आपको कन्हैया और शकील बोझ लगने लगता है, गिरिराज को जिताने के लिए आप सारा समझौता करते हैं, ललन सिंह को जिताने के लिए आप सारा कुकर्म करते हैं। इन बाहर में तो स्टेटमेंट कुछ और देते हैं। भैया आप प्रैक्टिकल देखिए ना, इन्होंने क्या किया। चतरा में ये गए रंजीत रंजन जी के यहाँ, ये कैंप किए हराने के लिए, इन्होंने तो बयान बोला कि हम रंजीत रंजन को टिकट नहीं होने देंगे, ये तो बयान है उसके बेटे का, आप चुनाव टिकट बदलिए। अंतिम तक ब्लैकमेलिंग किया गया मेरे नामों पर। क्या असर हुआ? आप IMA को आप बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, आप अपनी बहन के लिए माले से समझौता करते हैं, यही समझौता आप साहबुद्दीन के लिए कर लेते जो आपके लिए अपनी जिंदगी दे दिया, तो आपको साहबुद्दीन जी की पत्नी हीना नजर नहीं आई, वहां समझौता नहीं हुआ। लेकिन जो 4 साल आपके यहां अभी राज्यसभा रहेगी, आप वहां कोई और यादव दे देते। चतरा में मनोज यादव आपको पसंद नहीं, आपको वैचारिक अच्छा और बड़ा परिवार पसंद नहीं, आपको वैचारिक लोग भाई वीरेंद्र पसंद नहीं, आपको पप्पू यादव पसंद नहीं है, इसलिए कि मैं राजेश रंजन हूं।
मेरे आगे पीछे जाति का जहर नहीं लग सकता, मेरे आगे पीछे हिंदू मुसलमान का जहर नहीं लग सकता। लेकिन आपके आगे पीछे तो लगता है ना, यादव पप्पू यादव बोलते हैं लोग। मैं एक इंसान हूँ, पहली घटना है जहाँ पर सभी जात को का 60-70% वोट मिलता है वो है पप्पू यादव। लालू यादव जीतते हैं 30,000-20,000 से, हम जीतते हैं 2.75 लाख से। लालू यादव के पूरा परिवार और पूरा बिहार हार जाता है एनडीए में। मैं 2014 में नरेंद्र मोदी के तूफान में सिर्फ हम और रंजीत रंजन जीतते हैं। इस बार उनके कैंप करने से आपको क्या नुकसान हो रहा है या क्या लाभ हो रहा है? सर, गोबर पर घी डालने से क्या फायदा? शुगर के गूं किसी काम आता है क्या? गोबर तो बोरसी निपने में भी काम आता है। इन लोगों की चर्चा छोड़ दीजिए, मालिक जनता होती है, मालिक गरीब और आम आदमी होते हैं, ये नेता नहीं। इनको पता चल जाएगा कि जो लोग अपने घर में बैठ करके इंसानियत और समाज को खत्म करने में लगे हैं, कौन खत्म होता है? समाज हमेशा बचेगा सर, पप्पू रहे ना रहे, पप्पू सवाल नहीं है। जहानाबाद में क्या संदेश देने के लिए आप यहाँ हैं? मैंने तो साफ शब्दों में कहा कि आप इस्तेमाल किए हैं बीजेपी और नीतीश कुमार ने हमेशा ब्रह्मर्षि समाज को, और आपने पूरे बिहार में समाप्त किया है ब्रह्मर्षि समाज को, ब्राह्मण को, सबको। नीतीश और बीजेपी ने सबसे ज्यादा ब्राह्मण और ब्रह्मर्षि समाज को समाप्त करने की कोशिश की। बदल जवाब देगा? अभी ही नहीं देगा, 2020 में भी देगा? आप एक परिपक्व वैसे इंसान जो जहानाबाद के मान सम्मान के लिए लड़ते हो, जो एक वैचारिक नाम है, जो एक ऊर्जावान राजनीतिक ऊर्जा के साथ बिहार में एक नाम है, आप उसको भी समाप्त करने की कोशिश कर। आप के बेटे ने तो कह दिया है कि कौन है आर्म सप्लायर, कौन है लड़की का दलाल, कौन है जब ईद का दलाल। ये दोनों गठबंधन ऐसे लोगों को ही तो टिकट देता है। एक बात तो सच, ये नागनाथ और सापनाथ। राजनीति पूरी तरह से जातीय समीकरण में बटा हुआ है सर, मधेपुरा में पता चलेगा सर। मधेपुरा जहानाबाद की बात करेंगे, वो आपको सुपौल में पता चलेगा सर। जो सबसे ज्यादा विरोध किया आप वहां देखिएगा, आपको बेगूसराय में पता चलेगा, आपको मधुबनी में पता चलेगा, आपको जहानाबाद में पता चलेगा सर। ब्रह्मर्षि समाज ने मन बना लिया, जहानाबाद के एक एक जाति धर्म के लोगों ने बना लिया, मेरा बेटा मेरा। जहानाबाद के मान सम्मान के साथ रावणों के खिलाफ जंग लड़ने की तैयारी। ये जो बेडरूम से थोपने की आदत और समाज विरोधी, गरीब विरोधी, युवा विरोधी लोगों को आप टिकट दे करके दलाली करेंगे, पैसा लेकर के दल, ऐसे दलालों को आप चुनाव लड़वाना चाहेंगे, तो जहानाबाद ये धरती ने तो लेनिन से लेके आज तक जवाब दिया और ये जवाब आपको देगा। और यहीं से कोसी सीमांचल मिथिलांचल के बाद मगध की धरती जहानाबाद से शुरुआत होगी, कवि जगदेव बाबू और फिर अरुण बाबू। एक सवाल सर, तेजस्वी यादव यहाँ आते हैं आरजेडी कैंडिडेट का प्रचार करते हैं, उन्हीं के भाई आते हैं एक और अलग कैंडिडेट लेकर आते हैं, मैंने तो इस पहले मसले पे क्या कहेंगे, ये किस तरह का चल मैंने रहा तो है? पहले ही कहा लालू यादव तय तो करे, पप्पू यादव को तो इन्होंने निकाला, और यादव का बेटा बेटी और औरत यादव नहीं है, लालू यादव का बेटा बेटी ही यादव, मनोज नहीं, भाई वीरेंद्र नहीं, पप्पू यादव नहीं, रंजीत रंजन नहीं, साहबुद्दीन की पत्नी नहीं, शकील नहीं, फातमी नहीं, तनवीर नहीं, कौन किसको समाप्त करने में ये लगे? एक बेटा छपड़ा शिवर पाटलिपुत्रा और जहानाबाद में आके गाली देता है, दूसरा बेटा छतरा सुपौल मधेपुरा में गाली देता है,
लालू यादव को हिम्मत क्यों नहीं होती निकालने की? पप्पू यादव को तो निकाल दिया, ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो आप उनसे पूछिए ना, कुछ अंदाज तो आप लगा सकते हैं। दोनों कुछ अंदाज अंदाज लगा सकते हैं क्यों ऐसा होता है? ये तो सर महाभारत क्यों हुआ था धृतराष्ट्र के कारण? कौन थे लालू यादव को खत्म किसने किया? इसी के खानदान तो किया। लालू यादव चोर थोड़ी थे, लालू यादव ने चोरी थोड़ी की थी। इसी पूरे परिवार को लालू यादव के बाद तो जितना पूरा परिवार, लालू यादव ने तो पार्टी के लिए हो सकता है धन लिया हो, मदद लिए हो, लेकिन धन का शौक तो सबसे ज्यादा इसके पूरे परिवार को था। माँ से लेके बेटा, बेटी से लेके बाद मामा, इन सब ने मिलके लालू यादव और सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमजोर कर दिया। और वही आज विरासत की बात करता है। जो लोग पूरे बिहार में बी टीम बन करके महागठबंधन को समाप्त कर बीजेपी को ताकत दे रहा हो, जो लोग गरीबों की लड़ाई को कमजोर किया हो, जो लोग युवाओं की लड़ाई को कमजोर किया हो, जो लोग विचारों की लड़ाई को कमजोर किया हो, जो लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमजोर किया हो, जो लोग सिर्फ अपनी वोट और सियासत और रसूख के लिए सारे अच्छे विचारवान लोगों को मिटाने की कोशिश की हो, उनसे पूछिए ना। आखिरी सवाल सर, 23 मई को क्या? सर मुझे लगता है कि इस देश से डर, नफरत का माहौल समाप्त होगा। इस देश की संस्थाएं स्वतंत्र होगी, इस देश की महिलाएं और युवा सुरक्षित होगी, इस देश के गरीब, दलित और अल्पसंख्यक आजाद हवा के साथ जीना की तैयारी करेगा। आधार क्या होगा? यह देश पुनः इंसानियत की और मानवता के रास्ते की ओर बढ़ेगा। यह देश जाति, धर्म, मजहब, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, 370 वंदे मातरम, जय श्री राम, हनुमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड जैसी चीजों से निकलेगा, एक देश होगा जो आर्थिक आजादी की लड़ाई की शुरुआत करेगा, जिसके भीतर न तो GST का डर होगा, न नोटबंदी का, महिलाएं सुरक्षित होगी, महिलाओं के भीतर डर का की संभावनाएं खत्म होगी, और फिर युवा एक लंबी उड़ान की ओर आगे बढ़ेगा। आधार क्या होगा सर, कौन प्रधानमंत्री होंगे? सर यह देश हमेशा संकट के बीच से मजबूत नेतृत्व को दिया है, हमेशा इस देश के भीतर उतनी ऊर्जा है, विचार है, जो आंतरिक रूप से हमेशा गलत लोगों के विरुद्ध खड़ा हुआ है। और मुझे लगता है 4 फेज ने बता दिया है कि देश का मिजाज कैसा है, कैसा है, और देश बचाने की ओर जा रहा है। तो ये थे हमारे पप्पू यादव जी, जो जहानाबाद में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इनका कहना है कि नए भारत का निर्माण होगा 23 मई के बाद। उसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।